सबका हमारी एक और नई वीडियो में सिविक्स की बात कर रहे थे हम, प्रेसिडेंट को पढ़ चुके थे। वैसे मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा, आप लोग उसे भी देख लें, वो पहला पार्ट है इसका। दैट मीन्स पार्ट तो नहीं है बट वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट के बाद में पीएम पढ़े तो बेहतर से समझ में आएगा, सिविक्स का यही फंडा है। द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के बारे में जानकारी लेंगे इस बार, शॉर्ट में लिख रखा है। जब कभी अगर प्रश्न आता है आपके अगर SST में वहाँ पर, तो अपने को क्या करना है, इसको लेंथ ही लिखना है, बड़ा करके लिखना है। कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखना है ये भी बताऊंगा, टेंशन ना लें। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे यहाँ पर जो पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर का, वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर पोस्ट है द प्राइम मिनिस्टर का, कि हमारे भारत के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। यानी आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि जो एक पोस्ट होनी चाहिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो जो देश को चलाएगा, जो इलेक्टेड हेड ऑफ कंट्री होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द PM, PM की अपॉइंटमेंट कौन करता है? PM की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रेसिडेंट क्या रहता है, बाउंडेशन में रहता है, फोर्सिबली उसको अपॉइंट करना ही पड़ता है। किसको? जो लीडर रहता है, जिस पार्टी का लोकसभा में सबसे बड़ा बहुमत होता है, उस पार्टी के जो मुख्य नेता है, लीडर, उसको वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है। ये उसका मतलब, ये उसकी बाउंडेशन है, ये उसको ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा, बेचारे को क्या करें। ठीक है, अब भाई बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमारे पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कि भाई अगर भारत का वो एक प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, हर एक चीज़ में होती है, गुण होने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला जो मैंने लिख रखा है, शॉर्ट में लिख रखे हैं, इसको आप बड़े करके लिख सकते हैं, जैसे ही और शी मस्ट बी एन इंडियन, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो एज है वो 25 ईयर होना चाहिए अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो। ठीक है, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक, और अगर वो किसी का भी नहीं हो, देखो मेरे यहाँ पे छठा जो पॉइंट है, 6 पॉइंट, शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। देखो पूरी मस्ट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया उसका भी कारण बताऊंगा, क्योंकि 6 महीने तक आप अपनी मेंबरशिप शो कर सकते हो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में। ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये छूट दी जाती है। जैसे मान लो अगर किसी की डेथ हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, तो वहाँ पर बिना चुनाव लड़े एक नॉर्मल सिविलियन भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो फिर उसके पास 6 मंथ की एक टाइम होता है जिसमें वो अपनी मेंबरशिप पार्लियामेंट में शो कर सके। ठीक है, तो एज पर थे अपन, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये भी समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़, नो गवर्नमेंट पोस्ट होनी चाहिए। भाई देखो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट पोस्ट। नो बैंकक्रप्ट, दिवालिया आप नहीं होने चाहिए, बैंक का कोई लोन वगैरह, डिफाल्टर नहीं होने चाहिए आप, है ना। लोन हो सकता है बट उसको नहीं चुकाया हो तब डिफाल्टर हो जाते हैं ना, वही बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो गया मैं तो, मतलब बैंक से कह दिया साहब कि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, नो मेंटल डिसेबिलिटी, न आप पागल होने चाहिए, आपके कोई मेंटली डिसेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेंटल डिसेबिलिटी होगी तो प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी पोस्ट है, पूरा देश चलाता है, तो वो कैसे उस पोस्ट पे बैठ सकता है। ठीक है, और 6 वाला पॉइंट मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन एक और बार समझा रहा हूँ, शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य होना चाहिए। ठीक है, वर्क और फंक्शन देखें उनके, बहुत सिंपल हैं, इलेक्टेड हेड ऑफ कंट्री होते हैं भाई, जो देश के सबसे बड़े पद पर होते हैं इलेक्टेड, चुने हुए। देखो भाई, राष्ट्रपति को हम डायरेक्टली नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो पद है ना, जिनको हम चुनते हैं, हम लोग ही चुनते हैं, वह है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वह है लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। भाई लोकसभा के अंदर सबसे बड़े दल के नेता के रूप में होते हैं ये लीडर ऑफ, भाई इसको लोकसभा भी बोल सकते हैं, है ना, लीडर ऑफ जो लोकसभा है उसको भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो, क्योंकि भाई सबसे बड़ा बहुमत किसके पास है, किस पार्टी के पास है, उस पार्टी का ये नेता है और वही प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट, लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। कैबिनेट की चीज़ उनको प्रेसिडेंट को बताते हैं, प्रेसिडेंट के जो निर्देश होते हैं उनको वो कैबिनेट या पार्लियामेंट को बताते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है एडवाइजेज एंड इन्फॉर्म्स प्रेसिडेंट, भाई सलाह लेते हैं वो किसको, किससे, प्रेसिडेंट से, कोई भी काम अगर करना है ढंग से सलाह लेते हैं, सलाह देते भी हैं, ध्यान रखना इनकी सलाह पर ही सारे काम होते हैं। प्रेसिडेंट एक रबर की मोहर है, सारे मजे यानी सारी पावर के जो मजे हैं वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ही लेती है, ध्यान रखें इस चीज़ का। और 5 जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट, सेलेक्ट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, मंत्रिमंडल
प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी चलती है वहाँ पे, वो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज, विभागों का बंटवारा भी यही करते हैं, उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर मानो किसी के, इन्होंने बना दिया किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, इनके मन में आया, दो पाँच घंटे बाद भी बदल सकते हैं और दो पाँच महीने बाद भी बदल सकते हैं, दो साल बाद भी बदल सकते हैं, किसी को कभी भी बदल सकते हैं। कोई इनसे प्रश्न नहीं कर सकता कि आपने हमारा विभाग क्यों बदला, इनकी इच्छा चलती है। मतलब 6 पॉइंट है, मॉनिटर्स द वर्किंग, काम को देखते हैं। देखो गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, ये सारा कैबिनेट किस तरीके से काम कर रही है, ये उसको मॉनिटर करते रहते हैं समय समय पर, और ज़रूरत पड़ती है तो सलाह देते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। अगर कोई मान लो डिस्प्यूट भी चल रहा है कि नहीं दो मंत्रालयों में या मंत्रियों में, तो उनमें बैठकर उन्हें साझा, उनको बातचीत करी जाती है, उनको समझाया जाता है। तो ये काम भी किसका बनता है, प्राइम मिनिस्टर का। गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर सके इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार है। 7th पॉइंट है, बेस्टोइंग द वेरियस पोस्ट। देखो आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनता है, हाई कोर्ट्स के जज को चुनता है, ठीक है, लेकिन ये किसकी सलाह पर चुनता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज़रूरी होता है कि प्रेसिडेंट उसे माने, क्योंकि देखो मैंने फिर बताया प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर एक रबर की मोहर है, उनके नाम पर काम होता है लेकिन काम सारा प्राइम मिनिस्टर ही करता है। आप देख लो ना, हमारे यहाँ पर रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट हैं लेकिन उनका नाम इतना मीडिया में नहीं आता, उनका बातचीत इतनी नहीं होती जितनी नरेंद्र मोदी जी की होती है। तो नरेंद्र मोदी जी की बात होने का कारण यही है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सारी पावर उनके पास है, सारी चीज़ें उनके पास हैं, वो जो करते हैं वही देश के लिए करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक और बार रिपीट करें, दो बार तीन बार देखें, आराम से समझें और कोशिश करें कि आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में बताया। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें भाई, चैनल को तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपका अपना चैनल है प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।